क्या नाम है आपका? मेरा कोलाराम। कोलाराम जी, आज कल आपने एक ई मित्र वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वो आज वापिस आप आई हो, क्या मामला है? कोई भड़कान साड़ दिया। हाँ भाई, कोई ऊं दिया कलो। हाँ कोई मेरे हो, कोई करनो नहीं, होनो नहीं हो। हाँ साड़ दिन कोई भाव। हाँ भाव साड़ने मारे जो खिलाफ होगी डे। हाँ कोई टेंशन को करा दिन माडी। मतलब थारे पैया की ई मित्र वाला काटा था ना? को काटा है? जो को काटे तो थे की को माया था काले सेठी चाहिए दिन आप। मतलब थाने पैया काटने वालों कौन? तो कई योजना अटल, कई योजना पैया जमा हुआ? पैया जमे कहीं कौन? पैया पैन छोरे लिए रहा मन है छापड़ी को। छोरो कौन है वो? मार पोतो है। हाँ कितना पैया काटिया? भाई 17,316 काटिया। हाँ ओकरी कौन पछे? बस जो को आज मैं फोन में सड़िया नहीं। हाँ जना कहो के बातों उनकी जना हिंदी सड़ी जना बहुत भाई होकर गया ना बात होगी। हाँ जना किसूर में आपस में बात की हुई जना के मैं भाई कोड़ा लिया को। हाँ जना के सारा आप हो तो देखो। हाँ जना भी ने अज गए जना बहन कह दी ना की क्यों कह भाई मैं लिया। पुत्र नाम की है थारे? कृष्णा है। कृष्णा राम। हाँ तो कितना भैया काटा था? कितने टाइम काटते तो बो मैं टेम तो था ने कितना ही काट दिया। हाँ तीनों महीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा ले जा बोगरी साई जैसू ले जा बोगरी और कुछ दे मोने पतो नहीं पड़ी। हाँ ले गियो बेंगे साई जा मोने बात को अतो पतो ही नहीं। ठीक है ना कहीं किसूर ने मैं पूछियो। हाँ भाई पूछियो आल नहीं तो यू यार मैं आपत में वो बाड़े हूँ बारे गुंदन ना वैसे ना भाई। हाँ आऊँ तो आज थे की को माया हो पाछा? हाँ पासो बेटी मिटोन। हाँ एसपी साहब मिलन आया हो? ना कहीं मिलनो उनको करनो ना ना थे पाची शिकायत थोड़ी पाची लेना आया हो पाची कागज हो तो पास ले जियो इसे पास क्या प्राप्त भाई तू तो होगा। हाँ हम तो अपन ले तो हमें भाई तू थोड़ा जाऊँ ला भाई तू सोना ले ना भी कह दे हम इन फोन कर कि मत जानो पढ़े न थोड़ा ए जानो पढ़ भी कह दे हम भाई मिटो दे। हाँ नाम की है थारो? मेरे नाम कोहला राम। साथियों ये कोहला राम जी है, कल इन्होंने एक किशोर ई मित्र वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी भीमड़ा गांव वाले। अब आज ये कोहला राम जी वापस आए हैं क्योंकि इनकी एक भ्रमित हो गए थे, इनके पोते ने ही पैसे निकाले हैं और अपने साथ भी है ई मित्र के जो मालिक है उनसे भी बात करते हैं। इनके पैसे पोते ने निकाले और दूसरे पैसे कैसे गए, कहाँ पर जमा हुए, इनसे बात करते हैं किशोर से। किशोर कल आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, शिकायत दर्ज हुई थी, क्या मामला था पूरा आप बताओ। मेरे साथ में कल एक कोहला राम जी ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिनके बोवारी के पैसे कट रहे थे, वो एपीवाई के पैसे कट रहे जो भारत सरकार की स्कीम है अटल पेंशन योजना उसके तहत खाते में जमा होते है, वो तो 151 रुपए 20 साल की उम्र में कटते है, फिर वो 151 40 साल की उम्र में कटते है, फिर उसको 60 साल होते ही 1,000 रुपए पेंशन मिलती है और 1,70,000 का उसका क्लेम होता है, लेकिन कस्टमर नहीं रखना चाहता है तो ब्रांच में जाके बंद करवा के उसके ब्याज समेत पैसे ले सकते है। दूसरा मैटर ये था, इनका जो लड़का है विकलांग उसका ये कह रहा है पैसे मैंने निकाले, तो इसका पोता है, पोते के पास एटीएम है जो पढ़ता है कृष्ण कुमार नाम है, वो व्हाइट लेबल एटीएम से पैसे निकालता है। अब मेरे पास उसके फुटेज भी है इस डीवीआर में, ये डीवीआर में फुटेज में मैंने उनको बताया है मैं को अब ये आपके पोते ने निकाले मेरे साथ मानहानी हो रही है, मैं भी आपके साथ खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ। लोगों ने इसको बेला फूला कर ये कोहला राम जी मेरे पास तो आए नहीं मेरे पास कहा, ये 5-7 दिन ऐसे ऐसे घूमते रहे, लेकिन एक ई मित्र वाला अभी नई दुकान करी है अभी उसके पास तो कस्टमर लगते नहीं, मैं अभी 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे सामने डेली 100-200 ग्राहक आते हैं, फिर उसने सोचा इसकी मान हानि करने के लिए ऐसा वीडियो बना दे तो सब गांव में कस्टमर टूट जाएंगे। फिर कानाराम बालाजी ई मित्र है उसके पास गए, उसने कहा ये तो पैसे इसने निकाल दिए, फिर ये मामला आया कल मीडियो पे सर गया तो मैंने कोहला राम जी को फ़ोन किया, कोहला राम जी मेरे पास आए तो मैंने इनको समझाया तो इनको बात समझ में आ गई, तो मेरे इनके 300 रुपये लास्ट में लेके गए ना वो मेरे रजिस्टर में एंट्री है, ये 300 रुपये का इनका लड़का लेके गया ये देख लो, ये 300 माइक्रो एटीएम से लेके जाता है ना तो बीसी का नाम आता है भाई ट्रांसपोर्ट फॉर किशोर कुमार, मेरे पास एसबीआई की बीसी है ना तो नाम तो मेरा ही आएगा ना, मैं इनको कैश पेमेंट देता हूँ, बाकी वाले पैसे निकलते हैं वो व्हाइट लेवल एटीएम से निकलते हैं, एटीएम से पैसे निकलते हैं, एटीएम में हर 6 महीने की रिकवरी होती है,
लेकिन मेरे पास ये DVR है, अभी मैं CCTV का फुटेज भी निकल आए, अभी आपको दूंगा CD बना के। अब हम संतुष्ट है। अभी ये अब कोसला राम जी ने क्या रिपोर्ट वापस ली आपकी? अभी रिपोर्ट वापस लेने आए हैं। हाँ। मेरे साथ मान हानि हुई है। हाँ। इसके साथ में कुछ नहीं करना हमने राजीव भाई। ठीक है साथियों, ये देखो कोसला राम जी किशोर के साथ आए है, इनकी भ्रमित थी जो निकल गई है पूरी, किशोर साथ में आए है, इनके इनको आखिर पता लग ही गया, इनके पोते ने पैसे निकाले थे और बाकी जो एक प्रधानमंत्री जो योजना है उसमें जमा हुए थे। तो एक बार साथियों शेयर कर दो ताकि सभी के पास ये पोस्ट पहुंचे, तो किशोर के ऊपर जो लगा है कलंक वो मिट जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।